और भाई वो सब ठीक ठाक, घर परिवार सब ठीक ठाक, मेरे साथ बोलो जय भोलेनाथ की। और देखो ये भाई वो अपनी गाड़ी है बलिनो, और इसमें सिस्टम अपग्रेड करा है। सिस्टम की आज तक वीडियो नहीं बनाई थी ना दिखाई थी, क्या करा है क्या नहीं करा, और क्या कहते हैं पहले क्या कहते हैं दो बूफर लगाते हुए दिखाई थी लेकिन सिस्टम चला के नहीं दिखाया था। आज इसमें कुछ और बढ़िया चीज़ अपग्रेड कर दी है। देखो फ्लोरिंग कैसी लग रही है, चेक करके बताओ फ्लोरिंग कैसी लग रही है। और देखो भाई वो क्या कहते हैं, ये रहा अपना होम घर का लोगो, ये लगा दिया हमने अपनी गाड़ी पे, हम भी व्लॉगर बन गए अब। ठीक है व्लॉगिंग वीडियो स्टार्ट करूँगा। और ये रहा बेटा मेरा, इसका नाम शिवम जैन है, इसका यूट्यूब चैनल बनवाऊँगा। मैंने कहा जब तू यूट्यूब चैनल बनाएगा उसी दिन तेरे को नई गाड़ी दिला दूँगा, ये गाड़ी बेच के, ये गाड़ी बेच दूँगा उसी दिन नई गाड़ी दिला लूँगा जिसमें मॉडिफिकेशन करेंगे जैसे दुनिया करती है ना वैसे हम भी करेंगे अब। ठीक है भाई लड़के, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम रखेगा अपने चैनल का, सोचते हैं सोचते हैं। भाई उसको आपने फुल सारा देना है बंदे को, बच्चा है तुम्हारा, भाई है तुम्हारा छोटा। और देख लो इसकी गाड़ी दुनिया जानती है भाई, हाँ भाई लड़के की गाड़ी है, देख लो जेड ब्लैक गाड़ी चला रहा है आगे पीछे से। और म्यूजिक तो सिस्टम तो इसमें फाड़ों में फाड़ लगा दिया, लोग दो दो बूफर लगा रहे हैं, पता नहीं क्या सामान लगा रहे हैं, अट्रम सट्रम बैटरी बैटरी ये लगाओ वो लगाओ। अबे गाड़ी में बैठना है, हमने डीजे थोड़ी ना चलाना, बैटरी के लिए सुनना, हमने डीजे थोड़ी ना चलाना है गाड़ी में। ये डीजे का तो बाप है लेकिन कम बजट में डीजे का बाप है, दो दो बैटरी, इतने बड़े बड़े एम्पलीफायर, दो दो बूफर, सब कुछ ड्रामेबाजी, क्या फायदा उस चीज का। देखो भाई इसमें दो स्पीकर लगाए हैं नए, जो अपने नंबर, एक सेकंड ये टॉर्च जला लूँ अपने मोबाइल की। ये देखो भाई हो पाइनियर के हैं 6975, ये देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे भाई हो, गारंटी है। देखो उधर दिखा, ये देख लो देखने के लिए भी नहीं मिलेगा स्पीकर 6975। ठीक है ना, एक वीडियो डाली थी मैंने तो उसमें दो बूफर लगाए थे मैंने, एक 306 एक 305, 305 उतार दिया, इतनी वाइब्रेशन आ रही थी मैंने कहा डिक्की विक्की टूट के ना गिर जाए, मारुति की वैसी गाड़ी है ये। कंट्रोल कंट्रोल, मैंने कहा कभी नुकसान हो जाए। ये स्पॉइलर भी हिलने लगा इसका, ये देखो ढीला हो गया, ये देखो भाइयों, ये देख रहे हो कैसे ढीला हो गया ये, कुछ टाइम में टूटने वाला है, टूटने वाला। अभी एक ही बूफर की आवाज़ सुनाऊंगा आपको, ये देखो कैसे हिल रहा है। ठीक है ना भाइयों, और सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है, दो स्पीकर पीछे लगा रखे हैं, दो आगे लगा रखे हैं, और दो टूटर लगा रखे हैं, कोई मिड कोई पिड कोई अटरम सटरम कुछ नहीं लगा रखा, नॉर्मल दो स्पीकर लगा रखे हैं पाइनियर के, जो 1500-1600 रुपए की रेंज में आते हैं। ठीक है ना, एक TS20 लगा रखा जो सबका बाप है ना, बुलेट टूटर इधर छेद करके ये लगाए थे छेद करके, लेकिन मज़ा नहीं आया इसको, बंद कर दिया। आवाज़ सुनाऊंगा अभी, बज नहीं रहे हैं ये। और पाइनियर का सिंगल टिन माउथ लगा रखा, लाइट दिखा, चला गया वो चला। देखो सिंगल टिन माउथ लगा रखा है और एम्बियन लाइट लगा रखी है, तो पहले भी दिखा दी मैंने आपको। ठीक है ना भाई, देखो क्या कहते हैं, और इसमें एक इंडिकेटर लगाए थे याले मैट्रिक्स मैट्रिक्स वाले चेक कर लो। मैंने क्या एक थोड़ा सा बेचने का विचार बन गया था गाड़ी का, तो मैंने क्या क्या कहते हैं वीडियो बना लेते हैं। सिस्टम DSP के लिए पीछे बढ़ रहा था, कह रहा आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है मार्केट में DSP का, पापा मेरी गाड़ी में DSP लगा रहा है आजकल, हर कोई DSP लगा रहा है, हर कोई DSP लगा रहा है, बड़ा तेरा बाप तो DSP का भी बाप लगा देगा, लगा दिया DSP का बाप लगा देंगे। और भाइयों सीट कवर लगाए नहीं है, एक फ्लोरिंग मैटिंग कराई थी नीचे, दिखाइए एक बार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नीचे वाली ये देखो, नीचे वाली मैट हटा के दिखा, ये देखो ये फ्लोरिंग मैटिंग कराई थी। ठीक है ना, एक ऑटो फोल्ड करे थे इसमें, एक हमारे रामपुरे के भाई हैं वो पीछे लगे हुए, गुजर भाई अपने,
कि भाई गाड़ी दे दो मेरे को, दे दो। तो मैं कहा चलो तुम ले लेना, तुम भी अपने ही हो, बहुत पीछे लगे हुए हैं गाड़ी के लिए। तो मैं कहा नई गाड़ी खरीद के लाते हैं, इसको व्लॉगर बनाना है अब। भाई व्लॉगर व्लॉगर बनेगा नहीं बनेगा? बन जाऊँगा। बनाना है, यूट्यूब पे बहुत पैसा है, ठीक है ना भाई। आओ इसका सिस्टम चला लेते हैं बढ़िया सा एकदम, पहाड़ों में फाड़। चलो भाई इसमें आपको डीएसपी की आवाज़ सुना देता हूँ, स्पीकरों की आवाज़ सुना देता हूँ। देखो दो स्पीकरों में और दो आगे लगे हैं, दो पीछे लगे, कितना अंतर है आवाज़ में। पहले नॉर्मल चलाता हूँ फिर डीएसपी के साथ चलाते हैं, कॉपीराइट आएगा। घंटा बाबू जी गाने दो साले को। डीएसपी चालू हो गया। देखो भाई डीएसपी ऑन कर दिया अपना। एक चीज और सोच रहा हूँ भाई, इसमें 6500 नंबर इक्वलाइजर और लगा दूँ, ठीक है ना। 6500 नंबर इक्वलाइजर और लगा दूँ, आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। लौंडा राजी है भी मेरा कि सिस्टम बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन मेरी नज़र में संतुष्टि नहीं है। एक इसकी बेस ज़्यादा है, मैं बेस कम करता हूँ वो बढ़ा देता है। बेस कम होनी चाहिए हमेशा। और देखो भाई कोई ब्लूटूथ वाला स्टीरियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऑक्स से चला रखी है डाटा केबल से। और आपको पता है इससे चलाने पे आवाज़ क्वालिटी गिर जाती है, लेकिन फिर भी देख लो कितनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। आप ट्यूटर भी देखो जैपनीज वाले लगा रखे हैं जो पहले आते थे। भाई और बताओ सिस्टम कैसा लगा आपको चेक करके, कोई कमी पेशी है तो बताओ, ठीक है। सिस्टम के मामले में बच्चे हो गए, हम काम छोड़े हुए 5 साल हो गए सिस्टम का, लेकिन फिर भी देख लो अपने हाथ से लगाया, सेटिंग करी है, लड़का राजी है, लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं है। बेस ज़्यादा आ रही, बेस कम होनी चाहिए इसमें थोड़ी सी। बेस तो सही है एकदम, सही है ना, मेरे को पता है बेस सही कहेगा, बेस ज़्यादा है मेरे हिसाब से, और थोड़ी वोकल और खुलनी चाहिए। साला गाना यहाँ लगा के तो वोकल हल्की बैठती है, गाना यहाँ बजे तो 5वें घर पे गाना पता लग जाए, हाँ घर के अंदर बज रहा है ये गाना, आशिक आ गया कोई। देख लो भाई
TS20 भी देख लो, जैपनीज वाले लग रहे हैं सब।